हाँ जी स्टूडेंट्स, अज आप करांगे मेरा पिंड। आप मेरा पिंड दे उपर लेख लिखना हैगा। सो जो तुसी लेख लिखते हो उन्होंने इदा लेख दे रूप विच ही लिखियो, एक पैरा बना के। हाँ जी, सो स्टूडेंट्स, तुहानू सारे स्टूडेंट्स नू अपने अपने पिंड बारे पता ही होना कि साडे पिंड दी की खासियत है ना। हाँ जी, शुरू करते हैं। मेरे पिंड दा नाम बुक्कण खां वाला है। हाँ जी स्टूडेंट्स, इतने तुसी अपने पिंड का नाम लिखना है। ये मैं बुक्कण खां वाला इस करके मैनशन किया है क्योंकि जो अपना स्कूल है वह बुक्कण खां वाला विलेज के पैंदा है, इस करके मैं इतने बुक्कण खां वाला लिखा है। तुसी जेड़े जेड़े पिंड नूं बिलोंग करते हो अपने अपने पिंड का नेम लिखना है इतने। हाँ जी, मेरे पिंड का नाम बुक्कण खां वाला है। यह फिरोजपुर जिले विच स्थित है। इसकी तहसील भी फिरोजपुर है। यह फिरोजपुर शहर तो 13 किलोमीटर की दूरी पर है। इतने तुसी अपने पिंड की दूरी लिख सकते होगे। इसकी अपनी एक ग्राम पंचायत है। हाँ जी स्टूडेंट्स, ग्राम पंचायत की होंगी आ, ग्राम पंचायत का एक मुखिया होंगे जिन्हों सरपंच कहते हैं। सो पिंड की जो भी मसले होंगे, जो भी प्रॉब्लम्स होंगे है ना, उन्होंने ग्राम पंचायत के सॉल्व किया जाता है। सरपंच अपने पंचा की मदद नाल है ना सारिया प्रॉब्लम सुनता है लोगों दी, उन्हों का सल्यूशन कढ़ते है। सो वो सारा काम कित्थे हुंदा है, ग्राम पंचायत दे विच। मेरे पिंड विच बस स्टैंड की भी सुविधा है। मेरे पिंड विच एक डाकखाना भी है। मेरे पिंड विच एक सत्थ भी है जिथे पिंड की पंचायत लगती है अते पिंड दे बजुर्ग इकट्ठे हो के गल्लां बातां करदे हन। मेरे पिंड विच दो सरकारी स्कूल हन, एक प्राइमरी अते एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल है जिसका माध्यम पंजाबी भी है ते अंग्रेजी भी है। हाँ जी, इत्थे तुसी एक लाइन होर ऐड कर सकते हो कि मेरे पिंड विच एक गुरुद्वारा साहिब भी है, ठीक है। हाँ जी, मेरे पिंड दे लोग आपस विच रल मिल के रहिंदे हन, मैनू मेरे पिंड उत्ते माण है। हाँ जी स्टूडेंट्स, ये सीगा मेरा पिंड उपर छोटा जा लेख। ये तुसी सारे बच्चों ने अपने पिंड के अकॉर्डिंग है ना, तुहाडे पिंड दे विच की सहूलतां ने उस अकॉर्डिंग तुसी लेख लिख लैणा हैगा, ठीक है।